तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको के कैरेक्टर के साथ सीएस रैंक का बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। और भाई लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस स्किल का सही से यूज कर पाते हो तो आप लोग सीएस रैंक का बड़ा से बड़ा मैच जीत जाओगे। ये आप खुद करके बताओगे। बस गाइस, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करनी है और जो स्किल मैं आपको बताऊंगा वो आपको के कैरेक्टर के साथ ऐड करना है। लेकिन गाइस, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, के कैरेक्टर के साथ वो कौन सी 3 स्किल आपको यूज करना है जो आप सीएस रैंक में सारे मैच जीत कर हीरो या फिर मास्टर जा सकते हो। और गाइज, आप इस स्किल को अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ भी जोड़ सकते हो। और गाइज, मैं आपको तीनों कैरेक्टर का नाम बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे आता है केली कैरेक्टर। केली कैरेक्टर के स्किल के बारे में गाइज तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। केली का काम है गाइज कि वो आपके मूवमेंट स्पीड को 6% बढ़ा देती है। और गाइज, सीएस रैंक में हमें मूवमेंट स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है जो कि की कैरेक्टर के पास नहीं है। और गाइज, केली की एक और स्किल है, वो स्किल कुछ इस प्रकार से काम करती है कि जब आप इनेमी को पहला गोली मारते हो तो उसका डैमेज 106% बढ़ जाता है। मतलब गाइज, जो आप पहले गोली इनेमी को मारोगे तो उसका 106% ज्यादा डैमेज रहेगा। तो गाइज, ये था केली की एबिलिटी। तो गाइज, आपको पहले स्लॉट में केली की एबिलिटी को यूज करना है। अब दूसरे स्लॉट की बात करते हैं। दूसरे स्लॉट में आपको हयाटो का यूज करना है। तो मैं आपको हयाटो के स्किल के बारे में बता देता हूं। और गाइज, अगर आप के साथ हयाटो का यूज करते हो अपने गेम में तो गाइज आपके गेम में 4 चांद लग जाएंगे। तो गाइज, मैं आपको हयाटो की एबिलिटी बता ही देता हूं। तो गाइज, जब भी आपका एचपी 10% से लॉस होगा तो सामने वाले एनिमी को ज्यादा डैमेज लगेगा। मतलब कि जब भी आपका एचपी 10% से लॉस होगा तो सामने वाले एनिमी को अगर आप मारोगे तो उसका डैमेज ज्यादा देगा। और गाइज, सामने वाले एनिमी के पास 4 लेवल का वेस्ट होगा तो भी गाइज वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन उस समय आपका एचपी 10% से लूज होना चाहिए। मुझे पता है गाइस कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। सो गाइस, मेरे पास अभी आप लोग देखो, यहाँ पे मेरे पास हायटो कैरेक्टर है और सामने वाले एनिमी के पास 3 लेवल का वेस्ट है। तो यहाँ पे हायटो की एबिलिटी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि गाइस मेरा एचपी 10% से लॉस नहीं है, इसलिए गाइस ये एबिलिटी वर्क नहीं करेगा। बट गाइस, अभी मेरा एचपी 10% से लॉस है इसलिए गाइस यहाँ पे हायटो कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क करेगा। एंड गाइस, आप लोग यहाँ पे देखो, सामने वाले एनिमी को मैं मार रहा हूँ और वो 3 लेवल का वेस्ट पहना है, तो उसके बावजूद भी उसको बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा है। और पहले उसको डैमेज नहीं लग रहा था क्योंकि गाइस उसका वेस्ट वर्क कर रहा है और अब उसका वेस्ट वर्क नहीं कर रहा है। सो गाइस, इस तरह से काम करता है हायटो कैरेक्टर की एबिलिटी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप हायटो कैरेक्टर की एबिलिटी को के साथ जोड़ देते हो तो आपके गेम में 4 चांद लग जाएंगे। अब गाइस, ये रहा हायटो कैरेक्टर की एबिलिटी। अब बात करते हैं तीसरे स्लॉट की, मतलब लास्ट स्लॉट के बारे में। तीसरे स्लॉट में गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मोको कैरेक्टर को ऐड कर देना है। तो गाइस, बात करते हैं मोको कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। मोको की एबिलिटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और गाइस, आपके पास मोको की एबिलिटी हो तो गाइस आप किसी भी एनिमी को ट्रैक कर सकते हो। मतलब कि आप किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो वो एनिमी अगर आपको चकमा देख के भाग जाएगा तो वो छिप नहीं पाएगा क्योंकि गाइस उसका लोकेशन आपको दिख जाएगा जिस समय आप किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे। गाइस, ये केवल 5 सेकंड तक ही रहेगा। अगर आपके पास मोको का अवेकन होगा तो गाइस आपको 11 सेकंड तक आपको उसका लोकेशन दिखेगा। तो गाइस, ये रहा के कैरेक्टर के साथ सीएस का कॉम्बिनेशन। अब गाइस, अगर आप लोग को बीआर रैंक कॉम्बिनेशन चाहिए तो गाइस आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। बस गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।